मुल्क देश भर में सेकुलर माना जाता है, दुनिया भर में सेकुलर माना जाता है, लेकिन इसमें होता क्या रहा है इसके लिए मैं एक शायद अर्ज करूं, सियासत पहले अल्जाम का एक पुल बनाती है, फिर तहरान को काबुल बनाती है, बाद में अवाम की हक तलफी को मिसमार करके अपने घर को जन्नत बनाती है। मैं पार्टी देर धरती की एक लाजवाब मिसाल अवाम पार्टी की जिला किश्तवाड़ और भारत सरकार के कानून तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा तो नहीं रहा बल्कि यूटी बन चुकी है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, पार्डर सब डिवीजन जिला किश्तवाड़ का एक वो हिस्सा है जहां शिव शक्ति का वास है, जिसकी मिसाल भारत देश के किसी भी रियासतों में से नहीं मिलती है, क्योंकि पार्डर की देव धरती बेताशा कुदरती मैदनियात कुटकौड़ पतीश गन्ने जंगला दरियाओं आबशारों के अलावा बेताशा दुनिया का सबसे बड़ा कीमती खजाना नीलम के नाम से जाना जाता है। मगर अफसोस पार्डर अवाम के हक तलफी ये कि इस नीलम की मशहूरी कश्मीर की नीलम की मशहूरी से होता है, जबकि कश्मीर पार्डर से 500 ज्यादा किलोमीटर से की दूरी पर वाक़ है। सारी कामयाबी जो है कश्मीर की जो सियासत थी कश्मीर के हुक्मरानों ने इस पर लूट मोट की है, वही तो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। और ये एक अफसोस है कि क्या जिला किश्तवाड़ में जगह नहीं थी, क्या पार्डर में जगह नहीं थी नीलम का कारखाना बनाने की? नीलम का कारखाना भी किश्तवाड़ को छोड़कर कश्मीर में ही बनाया गया, यही तो सितम जरफी हुई है जिसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये पार्डर शिव शक्ति धरती की एक तोहीन है, क्योंकि हमारे पार्डर में सब कुछ होते हुए कश्मीर सरकार ने इसमें दो हाथों से इस हमारे पार्डर के नीलम के खजाने को लूटा है, और अब भी यूटी बनने पर लूटने ये प्रैक्टिस जारी है। पार्डर की जनता की रहनुमाई किश्तवाड़ के लीडरशिप ने की, और मगर जिला के किश्तवाड़ के लीडरशिप ने कभी इस तरफ तवज्जा नहीं दी, और न ही जिला व तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकार को कभी आगाह किया। इसकी वजह एक ये भी रही है कि पार्डर की जनता देशभक्त जनता है, किश्तवाड़ की लीडरशिप कश्मीर की लीडरशिप की खुशामदी करते हैं, अपनी सियासी लीडर सियासी रोटियां सीखते हैं, इनको इस देश भक्त जनता की क्या चिंता रही है। इस मैंने इस बार कई मरतबा जम्मू कश्मीर के सबका चीफ मिनिस्टर को इस बारे में आगाह किया था, मगर वो अपने स्वार्थ के पीछे डालते रहे। जब चीफ मिनिस्टर आजाद साहब भी बने थे, मैं पार्डर से अपनी एक टीम लेकर जम्मू में पहुंचा, और जनाब आजाद साहब को मैंने कहा, जनाब आजाद साहब हमारे पार्डर की नीलम कान पर सर्वे के बहाने आते हैं और वहां काम करते हैं, अच्छा खासा माल निकालकर जब वो सील करके जम्मू पहुंचते हैं, श्रीनगर पहुंचते हैं, जम्मू नहीं बल्कि श्रीनगर ही उनका वहां ऑपरेशन हो जाता था, एमडी वाले एमडी भी माइनिंग वाले और पुलिस का हाईकमान के लोग उस जितनी भी नीलम ऐसी होती है उसको आपस में बंदर बांट हो जाता है, और जो बजरी चजरी है वो जनाब के ट्रेजरी में जमा होती है। मैंने खुद ये बात आजाद साहब के सामने कही और हमारे कुछ लोग शहादत भी है, लेकिन हमारे कभी नहीं, फिर इसने उसी वक्त एमडी को कॉल की और उसी वक्त उनको कहा कल माइनिंग की फाइल जितनी भी नीलम की वो मेरे टेबल पर होनी चाहिए। उसने इंक्वायरी शुरू की थी, लेकिन उसके एक महीने बाद ही उनकी छुट्टी हो गई, सरकार वापस हो गई, जो चीफ मिनिस्ट्री ले गए तो उन्होंने इस काम को जरूर करने के लिए थे। मैं ये कहूंगा कि माइनिंग और जालू जे कल वाले हर साल आते और वहां माल निकालते, अब हमें कैसे पता है? क्योंकि हमारे पार्डर के लोग भी वहां मजदूरी करते, वो शहादत है कि यहां माल निकला। बाद में जब ये नीलामी करते श्रीनगर जाकर, उस नीलामी में कभी प्योर माल निकला ही नहीं, ये 50-60 सालों से हम देख रहे हैं, और ये क्या करते हैं आपस में बदर बांट करके। मैं चाहता हूं ये पार्डर की नीलम जो भी है किश्तवाड़ के जिला डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जमा होनी चाहिए, और यहीं इसकी नीलामी भी होनी चाहिए, इसका कारखाना भी यहीं बनना चाहिए ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिले, और ये हमारा हक है। ये क्यों हमारे किश्तवाड़ से पार्डर से कश्मीर जाकर इसको बदर बांट करवाई जाती है और आज भी यह जारी है,
मैं चाहता हूं कि माइनिंग और जल जेलिकल डिपार्टमेंट से एक ईमानदार टीम खड़ी करे और हमारे पाड़ में लोकल नौजवानों को सर्वे पर लगाकर, जिनको सारी पहाड़ियों का पता है, वो लगाकर ये देखेंगे हमारा भारतवर्ष माला माल हो सकता है। क्योंकि अंग्रेजों ने भी जाते जाते कहा था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, लेकिन ये सोने की चिड़िया की पहचान किसी को नहीं आई। वो सोने की चिड़िया है, वो सिर्फ पाड़र की धरती पर बनी हुई है और वहां कई ऐसी जगह हैं जहां बहुत सारा माल है, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया और जो माइनिंग एंड जियोलॉजिकल, उनसे हमारे रास्ते होते रहते, वो कहते हैं यहां बहुत है, लेकिन हम किसी को ये दिखा नहीं सकते। लूट भरती है, क्योंकि ईमानदारी टीम चाहिए, ईमानदारी सरकार चाहिए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ऐसी सरकार यहाँ एक टीम बनाकर भेजे और इस पर वैसी पैमाने पर जंगी सतह पर काम लगे और पाड़र की लेबर को वहां लगाया जाए, ताकि यहाँ हमारा देश खुशहाल हो सके, हमारा देश मालामाल हो सके। हमारी ये बहुत बड़ी गुजारिश। एक कारण यह है कि ये जो नीलम कान है, ये हर वक्त फॉरेन कंपनी को बुलाना चाहते थे और फॉरेन कंपनियों से अलॉटमेंट करोड़ों रुपए की ली जाती थी। एक कंपनी मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा, उस वक्त चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, और उन्होंने कहा था कि हमें इस काम को हमें दो तो हम इतने अलॉटमेंट लेंगे। ये अलॉटमेंट के ही चक्कर थे, ये आपस में बंदर बांट करते थे, ये हमारे कौन सुनते थे, हमारा तो कोई सुनने नहीं लगा ना। यही तो वजह है, मैंने तो काफी कोशिश की थी और मैं हर वक्त करता रहता हूं। और मैं जियोलॉजिस्टों से भी, बैंकों से भी, यहाँ बहुत बड़ा खजाना है, हम पूरे भारतवर्ष को हमारे एक पाड़ और जिला किश्तवाड़ पाल सकता है, इतना खजाना है, क्विंटल क्विंटल के पत्थर पड़े हुए। लेकिन ये चाहते थे किसी बाहर कंपनियों को देकर सारा माल वो ले जाएंगे, हमें तो क्या मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ इस पर वैसी पैमाने पर, आज मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में इसका पूरा जंगी सतह पर काम हो और इस पर ईमानदारी से टीम बने और हम देखते हैं कि देश और मुल्क कहाँ कहाँ पहुंचा। ये आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की जो उनकी जो नीतियां हैं उनके साथ कहीं ना कहीं खुश हैं। मैं जो देश के लिए काम होते हैं, सियासत ये नहीं कहती है कि हमें खाली एक दूसरे के क्रिटिसाइज करें, जो ईमानदार काम होता है, जैसे यहाँ दफा 370 हटाया, एक अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारा सारा इस वक्त कश्मीर के आकार इसलिए हो रहा है कि उनको इक्तदार में बड़ी खलबली पड़ी, अदरवाइज ये बहुत अच्छा काम हुआ, सेंटर के हवाले हुए। और मुझे उम्मीद है आप कांग्रेस पार्टी से हुआ विस्तार कहते हैं कि दफा 370 ठीक हुआ और अच्छा हुआ, हटाया गया। आप समर्थन में खुदारा दिल के जख्म पर कहीं मरहम न रख देना, खुदारा दिल के जख्मों पर कहीं मरहम न लगा देना, इन्हीं जख्म से हमने रोशन की है जिंदगी अपनी। अब आप दूसरी बार मेरी बात सुनोगे, अजीब सी मेहरबानी मांगते हैं। आपने जो सवाल किया कि उन सरकारों के सामने आपने क्यों नहीं किया, मैंने इसलिए कहा अजीब सी मेहरबानी मांगते हैं, हम प्यासों से पानी मांगते हैं। मोहब्बत है जिन्होंने अपने वतन से, वह रुख सुहानी मांगते हैं। ये कैसे लोग हैं जो भीख में जईफों से जवानी मांगते हैं।